मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा 14 तारीख से शहर के अलग अलग वार्डों में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति आम लोगों में जन जागरण के माध्यम से अलग जगाने शुरू हुए जन जागरण पैदल यात्रा के नाम पर सागर में महज रस्म अदायगी का दौर मैदानी रसातल पर नजर आ रहा। जिस अभियान के माध्यम से जिस लक्ष्य को उद्देश्य के लिए संगठन जन जागरण पैदल यात्रा निकाल रहा उसके उद्देश्य के प्रति आम लोगों में जागृति आना तो दूर की बात है, उसके खुद के दल के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जरा भी जागृति नहीं दिख रही, जिसके चलते चंद मुट्ठी भर कांग्रेसी के सहारे ही पूरा अभियान जमीनी धरातल पर दौड़ महज रस्म अदायगी करता दम तोड़ रहा। इस अभियान के तहत कार्यक्रम जारी करने वाले जिला शहर अध्यक्ष भी कितनी गंभीर है अभियान को लेकर इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन महज अभियान के नाम पर फोटोशूट कराने के बाद अपने यहाँ व्यक्तिगत आयोजन का हवाला देकर उन्होंने इस अभियान से दूरी बना ली और शहर के कार्यवाहक अध्यक्षों के हवाले अभियान की लगाम थाम दी, जो स्वयं तो जहां अभियान चलाया जाता है पसीना बहा मेहनत करते नजर आते, पर संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों और ज़्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं मिलने से अभियान के लक्ष्य को मूल रूप देने में नाकाम है, जिसको लेकर आयोजित यात्रा के माध्यम से कानाफूसी भी खूब कांग्रेसी कार्यकर्ता करते दिख रहे। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 100 संगठन से जुड़े ऐसे कांग्रेसी हैं जिनके पास संगठन में बड़ा दायित्व है, पर अभियान में उनका सहयोग शून्य है और न अध्यक्ष के दावेदारी जताने वाले भी सक्रिय दिख रहे, जिसके कारण उंगली पर गिनी संख्या के सहारे ही अभियान समापन चरण में पहुंच रहा और ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दायरे के लोगों तक पहुंच पाने में नाकाम होते हुए महज 1-2 गली तक भ्रमण कर इतिश्री किए हुए है। इस मामले में बनने वाले हालातों को लेकर संगठन की स्थिति पर कई वरिष्ठ और जमीनी कार्यकर्ता चिंतित हैं, तो वहीं आम लोगों के साथ प्रतिद्वंदी दल भी खूब चुटकी लेता नजर आ रहा।